A very good morning to all of you. Today we will continue the same lesson, lesson number 5, industry. In previous class, we have discussed about the classification of industry. Today, our new topic is factor affecting location of industry. That means कि एक industry की location को effect करने वाले कुछ factors. तो यहाँ पर भी एक industry status है. ठीक है, इसको effect करने वाले कौन कौन से factor हैं? Land, transport, labor, raw material, capital, market, water, power. इसको एक-एक करके डिस्कस करेंगे. देखो, अब पहली बात अगर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना है तो वहां पे क्या होना चाहिए? जो लैंड है उसका जो सरफेस है वो रफ ना हो या बल्ज ना हो. जो लैंड का सरफेस है वो कैसा होना चाहिए? बिल्कुल फ्लैट सरफेस होना चाहिए, ताकि वहां पे क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया जाए. ये बिल्डिंग है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बिल्ड किया जाए. ठीक है, नाउ सेकेंडली जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, जो कि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको अनदर प्लेस में भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए. अगर आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको बाय रोड भेज रहे हो तो रोड कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए. या अगर आप वन स्टेट को अनदर स्टेट भेज रहे हो बाय रेलवे के थ्रू भेज रहे हो, तो जो रेलवे ट्रैक है वो अच्छी होनी चाहिए. यानी कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है वो कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करने के लिए. उसके बाद लेबर फोर्स, लेबर फोर्स कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी स्किल्ड लेबर होनी चाहिए. बिल्कुल ऐसी ना हो कि इलिटरेट लेबर है जिनको मशीन पे क्या है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना ही नहीं आ रहा, तो क्या होगा? जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री के लिए क्या है, ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है. यानी कि लेबर कैसी होनी चाहिए? स्किल्ड लेबर होनी चाहिए. उन्हें मशीन पे क्या होना चाहिए, जो भी गुड्स को मैन्युफैक्चर है मशीन को ऑपरेट करना आना चाहिए. फोर्थ है रॉ मटेरियल. अब किसी भी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए रॉ मटेरियल की भी नीड होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल यानी कि कॉटन की नीड होगी. इसीलिए रॉ मटेरियल होना भी क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इंडस्ट्री तभी रन अप करती है जब उसको क्या हो, प्रॉपर अमाउंट में क्या हो, रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो. ठीक है, नेक्स्ट है कैपिटल. कैपिटल यानी कि मनी. एक इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे पहले क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है. अगर हमारे पास मनी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए तो इंडस्ट्री को स्टैब्लिश नहीं कर सकते. नेक्स्ट है मार्केट. अब जहां पे हमने इंडस्ट्री स्टैब्लिश की है उस प्लेस में और मार्केट के बीच में क्या है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि देखो, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उसका सेल कहाँ पे करोगे, मार्केट में. तो इन दोनों के बीच, ये जो एक्सेस, इन दोनों के बीच एक्सेस है या डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको हम बेचेंगे कहाँ पे, मार्केट में. तो ऐसे ना हो कि मार्केट क्या है, बहुत ज्यादा दूर है, तो जिसमें क्या है, टाइम पीरियड लग जाए काफी आने जाने में. लास्ट है वाटर और पावर. पावर यानी कि पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी. इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए वाटर और इलेक्ट्रिसिटी की भी बहुत नीड होती है. वाटर इसलिए कि अगर रॉ मटेरियल है तो उसको प्यूरिफाई या कुछ भी उसको वो करने के लिए है वाटर की नीड है. और बड़ी बड़ी मशीनरी को रन अप करवाने के लिए किसकी नीड होती है, इलेक्ट्रिसिटी की नीड होती है. तो ये सारा इफेक्ट क्या करते हैं, एक इंडस्ट्री की लोकेशन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. अगर इनमें से कोई भी फैक्टर्स क्या है इम्बैलेंस है तो उसका क्या है, इंडस्ट्री पे बैड इफेक्ट पड़ता है. और अगर ये सारे फैक्टर्स कैसे हैं, बैलेंस वे में है, तो एक इंडस्ट्री बहुत इजीली स्मूथ यानी कि स्मूथली वे में क्या होती है, ग्रो करती है. ये तो बात की फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इंडस्ट्री की लोकेशन को. अब बात करते हैं इंडस्ट्री सिस्टम को, यानी कि जो इंडस्ट्री है उसमें कौन कौन, मतलब ऐसे कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे इंडस्ट्री सेटअप होती है. इंडस्ट्री सिस्टम, एक इंडस्ट्री को रन अप कराने के लिए तीन एक्टिविटी होनी जरूरी है. फर्स्ट है इनपुट, उसके बाद है प्रोसेस देन आउटपुट. ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट के अंदर हम कौन सी चीजें इंक्लूड करेंगे. इनपुट में जैसे कि अभी आपने फैक्टर्स अफेक्टिंग पढ़ा ना, उसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग थे इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाले जो फैक्टर थे वो कहाँ इंक्लूड होंगे, इनपुट में. यानी कि इनपुट में हमें लेबर चाहिए, लेबर, ट्रांसपोर्ट,
bottle, raw material. देखो इनपुट में भी ये सारी चीजें चाहिए, लेबर, ट्रांसपोर्ट, कैपिटल, ये सारी चीजें क्या क्या होती है, इनपुट होती है. अब ये सब मिलकर क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे. लेबर मशीन पे वर्क करेगा, ठीक है, जो अभी तक यहाँ होगा वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा. तो ये सारी चीजें क्या मिलकर क्या करती है, प्रोसेस करती है. प्रोसेस करने के बाद हमें क्या मिलता है, एक फिनिश प्रोडक्ट मिलता है. अब मैं इसको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉटन या टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करनी है, तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, कैपिटल चाहिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, ठीक है. अगर जब मेरे पास रॉ मटेरियल होगा तो उसको ही लेबर क्या करेंगी, मशीन पे एक क्या बनाएंगे, अब पीस ऑफ क्लॉथ बनाएंगे. जब मेरे पास कॉटन होगा एज ए रॉ मटेरियल, तभी तो मुझे पीस ऑफ क्लॉथ मिलेगा. तो ये सारे मिलकर क्या करेंगे, वर्क करेंगे. तो ये इंच का जो सबका जो वर्क है वो क्या कहलाएगा, प्रोसेस. That's all for today. In next class, we will discuss about the distribution of industry.